please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली हाई कोर्ट ने झंडेवाला में बनी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति को एयरलिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। हाई कोर्ट ने यह सुझाव उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें करोलबाग इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की अपील की गई थी। उधर मंदिर की वजह से अतिक्रमण के आरोपों से मंदिर प्रबंधन ने इनकार किया है और हनुमान जी की मूर्ति को हटाने के विचार को आस्था से जोड़ दिया है। की वजह कोई जाम नहीं लगा, ये गलत है ना। अभी कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे हम, क्या है क्या नहीं उसके बाद बात करेंगे। थोड़ा सा लोगों को दिक्कत ना, बाकी अंदर तक तो ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत है फैसला उनको, इतने लोग भक्त हैं यहाँ के, वो कहाँ जाएंगे? तो भक्तों को तो यहीं आना ना, जो करोलबाग है वो कहाँ जाएंगे? जो इतना बड़ा मशहूर मंदिर है ये और इतने लोग पब्लिक यहाँ आते हैं किस लिए? ये मूर्ति नहीं हटनी चाहिए, हनुमान मंदिर यहीं रहना चाहिए पूरा। तो 108 फीट ऊंची मूर्ति जिसको हटाने की सलाह दी गई है, कोर्ट की तरफ से एयरलिफ्ट करने की सलाह दी गई है। हाई कोर्ट ने ये सुझाव उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें करोलबाग इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने की अपील की गई थी। वहीं मंदिर में आने वाले तमाम श्रद्धालु और मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि इसकी वजह से अतिक्रमण नहीं हो रहा है। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अभी फिलहाल मंदिर प्रबंधन तो इससे साफ इनकार कर रहा है, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है तो क्या क्या कुछ कोर्ट ने इस बाबत आदेश दिया है? देखिए, इस मैटर पे एक पिटीशन दायर हुई थी और ये कहा गया था करोलबाग और उसके आसपास में इंक्रोचमेंट काफी ज्यादा हुआ है और उसी संबंध में कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और संबंधित एजेंसियों से कहा कि आखिर में क्या है ये हनुमान जी की करीब 108 फीट जो ऊंची प्रतिमा है, काफी विशाल का है, वो उसको एयरलिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस पर विचार करें और एलजी भी इस पूरे मामले में एक बैठक लें, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो डीजे के अंडर आता है, रिच का एरिया है। एमसीडी से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि इस मामले में उनका लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कितना पॉसिबल होता है क्योंकि जो मूर्ति होती है वो ऐसे मटेरियल इस्तेमाल की जाती है जब एयर लिफ्ट किया जाता है कोई भी चीज, जैसा कि कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि बाहर के देशों में भी बड़ी बड़ी इमारतों को एयरलिफ्ट किया गया है तो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है मटेरियल, तो ऐसे में एयरलिफ्ट करते समय ये भी ध्यान देखना होगा कि आखिर में पॉसिबल है कि नहीं, उसको क्षति पहुंचती है कि नहीं, बिल्कुल इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, उन तमाम पॉसिबिलिटीज पर भी ध्यान रखा जाएगा। नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास।